नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस माई टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको नए फोन का अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और रिव्यू दूंगा, उसके क्या क्या फीचर्स हैं ये सब बताऊंगा। इसलिए प्लीज दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि ये अच्छे से ग्रो कर जाए। फिर आगे मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा, एडिट करूंगा। अभी थोड़ा हल्का फुल्का सेटअप है, इसलिए प्लीज मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से इसे जो है सपोर्ट करें चैनल को और हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है OnePlus Nord CE3 5G स्मार्टफोन, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है अराउंड 28,000 रुपीज। ये 28,000 में मिलने वाला एक 5G स्मार्टफोन है। तो मैं इसका एक बार आपको बॉक्स दिखा देता हूं अनबॉक्स करके। ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है। यह 28,000 में मुझे पड़ा है। 12GB रैम और 256GB इसकी रोम है, यानी स्टोरेज है। इसका बैक आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन है। बैक पैनल भी काफी खूबसूरत है। दो कैमरे इसके पीछे हैं, जहां पर आपको तीन कैमरे नजर आएंगे। काफी हल्का, अगर मैं इसके वजन की बात करूं तो बहुत ही लाइट वेट इसका वजन है, बहुत ही हल्का ये फोन है। और इसके पास एक IR सेंसर भी दिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो कैमरा यहाँ पे है और एक ऊपर ये कैमरा दिया गया है, और यहाँ ऊपर पे एक IR सेंसर दिया गया है। अब मैं इसे आपको एक बार रिबूट करके दिखा देता हूं। दोस्तों 50 मेगापिक्सल का ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है और 28,000 में मिलने वाला ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। इसकी खासियत दोस्तों ये है कि 10 मिनट के अंदर फटाफट चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसका जो चार्जर है वो है 80 वाट का। अल्ट्रा चार्जिंग स्पीड इसमें मिल जाती है। दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G प्रोसेसर इसके अंदर लगा है, जो कि एक ऑक्टाकोर है 2.7 गीगाहर्ट्ज़ का। और इसमें जो रैम है वो है 12GB की रैम, जो कि LPDDR4X एक बहुत ही फास्ट रैम है। वहीं बैटरी की अगर मैं बात करूं तो बैटरी इसमें 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, 80 वाट के सुपर वूक चार्जर के साथ, जो कि इसे अल्ट्रा फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, यानी 10 मिनट के अंदर पूरा फोन चार्ज हो जाता है। वहीं कैमरे की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 कैमरा सिस्टम इसके अंदर मौजूद है और ऑक्सीजन OS 13.1 इसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम है। वहीं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं 120Hz की सुपर फ्लूइड डिस्प्ले मौजूद है, 120Hz की रिफ्रेश रेट वाली इसकी डिस्प्ले है। वही अब मैं इसकी जरा बॉक्स की बात करूं तो इसके अंदर मिलता है एक ये पिन मिल जाती है, सिम इजेक्ट टूल जिसे कहते हैं सिम निकालने के लिए। वहीं कुछ कागजात दिए गए हैं OnePlus वालों ने, अपने डॉक्यूमेंट, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मजाक कर रहा हूं। ये है क्विक एंड ईजी NFC, टेक कंट्रोल इत्यादि चीजों के बारे में बताने वाली एक मैनुअल गाइड। तो इसका कोई काम नहीं है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा आराम से। वहीं दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं सेफ्टी गाइड जैसी मैनुअल, और एक यहाँ पे रेड क्लब का यानी रेड केबल क्लब का एक कार्ड दिया गया है, कुछ सपोर्ट का होता है। इसे हम बाद में स्कैन वगैरह करेंगे आराम से, इसे हमें स्कैन करना पड़ता है और इसी वेबसाइट पर ले जाएगा OnePlus की, और कुछ मेंबरशिप जैसी चीज़ों को ये दिखाएगा, उतना लाजमी नहीं है। इसके साथ ये कुछ कागज दिया है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्जर मिलता है और एक केबल मिलती है। सो दोस्तों चार्जर जो एक ये ऐसी केबल मिलती है, काफी लंबी केबल है। दूसरा यहाँ पर आप चार्जर देख सकते हैं, काफी बड़ा चार्जर है जो कि है 80 वाट का,
ये बहुत ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला एक चार्जर है 80 वाट का, यानी ये फोन को पूरा 10 मिनट के अंदर 100% चार्ज कर देगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं चार्ज करके दिखाऊं आपको तो ये पूरा शो कर रहा है अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को, और ये सेकंड के हिसाब से फोन को चार्ज करता है। फास्ट चार्जिंग वाला फोन चाह रहे हो तो आप इसे जरूर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आप इसमें सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं, अगर आपको इसमें पैटर्न लगाना है, फेस लगाना है, फिंगरप्रिंट लगाना है, तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर अपना फिंगरप्रिंट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको फिंगरप्रिंट ऐड करके दिखा देता हूं। यहां पे कुछ इस तरीके से आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है। दोस्तों इस फोन में अभी आप कवर देख रहे होंगे, ये ब्लू रंग का जो कवर लगा है ये भी वन प्लस के साथ फ्री में मिलता है। इसके साथ बॉक्स में कोई भी सवाल हो आपके जहन में आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने अभी इतना पैटर्न और ये फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया है। यहाँ पे बटन्स के आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ऑक्सीजन ओएस 13.1 इसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो अब हम अनलॉक करके देखें तो आप देख सकते हैं अनलॉक भी ये फास्ट हो रहा है। यहाँ पर राइट साइड में आप जाएंगे तो इसके एक सेटिंग होगा, सेटिंग्स में आपको जाना है। यहीं पर एक अबाउट फोन सेक्शन है, अबाउट फोन। वैसे तो इसका डिजाइन यूआई काफी बेहतर है, और आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ओएस, ऑक्सीजन ओएस 13.1 इसके अंदर मौजूद है। स्टोरेज आप देख सकते हैं 256 GB स्टोरेज मिलती है, और डिवाइस का नाम आप देख सकते हैं वन प्लस नॉट CE3 5G। वहीं प्रोसेसर क्वालकम स्नैपड्रैगन 782G ऑक्टा कोर, एक बहुत ही फास्ट प्रोसेसर यहां पे मिलता है। बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh की है। स्क्रीन साइज आप देख सकते हैं 17.02 cm, और रैम 12 GB रैम है, 4 GB आप एक्स्ट्रा इसमें और ऐड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। वहीं कैमरा, फ्रंट कैमरा 16 MP का है, और रियर कैमरा यानी पीछे का जो कैमरा है वो 50 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP है। एंड्रॉइड वर्जन 13 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों इसमें जो कैमरे हैं वो एक 50 MP और एक 8 MP, और जो 2 MP है वो एक माइक्रो और एक मैक्रो लेंस है। वहीं दोस्तों अगर हम और सेटिंग्स देखें इसकी, तो डिस्प्ले में अगर हम जाएंगे तो डिस्प्ले में आप ये जो इसकी जो ब्राइटनेस, आप ऑटो ब्राइटनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा मैं आप इसके रिफ्रेश रेट के बारे में बताऊं, और यहाँ पे एक मोड है यहाँ पे ब्राइट HDR वीडियो मोड, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं वीडियो बनाते समय। बस ये बैटरी ज्यादा खाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो दूसरा इसमें एक स्क्रीन रिफ्रेश रेट फीचर है, यहाँ पे ये ऑटो पे सेलेक्ट है, ऑटो पे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को। अभी जैसे मैंने हाई किया है 120 Hz पर, तो आप देख सकते हैं इसका जो एनिमेशन है वो बहुत ही स्मूथ हो चुका है और फास्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं काफी स्मूथ और फास्ट है। वहीं अगर मैं इसका जो रिफ्रेश रेट है, अगर मैं 60 Hz यानी नॉर्मल फोन में जो होता है वो होता है 60 Hz, और अगर मैं इसका जो रिफ्रेश रेट है उसे मैं अगर नॉर्मल मोड पर रख दूं स्टैंडर्ड रेट पर यानी 60 Hz पर, तो अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा साफ पता चला है कि 60 Hz पर है, यानी थोड़ा सा वही नॉर्मल फोन जैसी इसकी हलचल है। बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे मोड हैं बैटरी में, जैसे सुपर पावर सेविंग मोड, आप इसे भी ऑन कर सकते हैं, इससे आपका फोन जो है अल्ट्रा सेविंग मोड पर चला जाएगा, यानी कोई भी ऐप नहीं खुलेंगे, सिर्फ वही ऐप यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, बाकी आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। ऐसे कई सारे जेस्चर फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे जेस्चर सेटिंग्स में तो बहुत सारे जेस्चर फीचर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इसकी अगर मैं आवाज की बात करूं तो आवाज भी काफी तेज है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसका जो हैप्टिक फीडबैक होता है वाइब्रेशन का, वो बहुत तेज है, बहुत लाउड है। मतलब हैप्टिक जो फीडबैक है वाइब्रेशन की, वो काफी हैवी है। दूसरा दोस्तों, अब हम कैमरे की बात करें तो कैमरे में यहाँ पे कई सारे मोड्स आपको नजर आएंगे, जैसे HDR मोड, HD फोटोग्राफी, माइक्रो फोटोग्राफी, ये सारे कई सारे फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। कैमरे की खासियत यह है दोस्तों कि इसमें अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन फीचर देखने के लिए मिल जाता है वीडियो बनाने के दौरान। तो कुछ फोटोज आपके सामने हैं, ये कुछ ऐसे फोटोज खींचता है। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये खींची गई है मैक्रो लेंस से, और ये खींची गई है HDR फोटो मोड से। बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, इसकी ये खासियत है कि ये अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन फीचर के साथ आता है, यानी ये लैग नहीं करता वीडियो बनाते वक्त। तो 60 FPS पे आप स्मूथ वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो बेझिझक आप ख़रीदिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे अच्छे से परचेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। और आपको कोई मूवीज चाहिए, वेब सीरीज चाहिए, वो भी फ्री में, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है माई टेक्नो गाइड, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।